नमस्कार, हमें देवन। आज हम मध्य प्रदेश निवाड़ी जुना को सर्वे करत करत ऐसे गांव में आ गए जोन गांव को नाम है थोना। थोना के अंदर हमारे बीच में सरपंच प्रत्याशी जो 2005 से लेकर 2010 तक सरपंच रह चुके राम सिंह यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जानते हैं कि इस बार भी चुनाव लड़वे जा रहे। जानत की आखिरकार 2005 से लेकर 10 तक को का कार्यकाल रहो इनको और का इनने विकास थोना के अंदर कराओ है। जय राम जी की। जय राम। हमने जो है 2005 से और गांव में सीसी का रोड डलवाए, 14 कुआं खुदवाए, स्कूल में बिल्डिंगें बनवाई और जो है 2 रोड डलवाए और 14 आदमी की कुआं खुदवाने के बाद हमने 65 आदमी की व्यवस्था और जो निराश्रित पेंशन है वह पेंशन बनवाई और हम कम से कम अपने कार्यकाल में हर गरीब के बच्ची को टीका दे भी जाते। अच्छा। जो हमने दे मतलब अपने कार्यकाल में जब तक हम सरपंच रहे हमने जो है सब जो गरीब बन के थे जिनकी बच्ची की शादी होती हम बिना बुलाए उनके थे जाते और अपना टीका देते और टीका के बाद अपने घर आ जाते। हाँ, तो मतलब हमारे कार्यकाल में और इस बीच में मान लो विरोधी पार्टियों ने हमें कई झूठे किसान में फंसाओ। अच्छा। जो मतलब जिनमें हम खात्मा लगो या मतलब बाद में हम गरीब आए तो कई चीज़ें थे मतलब गाँव के लोगों ने हमारे साथ करी और हम ही गाँव को विकास करवाना चाहते और जब हम जब भी सरपंच बने अगर हम चुनाव जीतें तो हम गांव में जितनी भी बच्चियां हैं हम फिर अपना जो टाइम हाथों हम फिर उनके दरवाजे जाके उनके दे टीका दें और हर गरीब के साथ हम लोग खड़े रहते और हम ये सब मतलब मानवे है कि हम कहूँ भी ये चीज़ से अलग नहीं होता है। गांव के लोग अपनी ईमानदारी में साख मानी जाते कि जो है हमसे जो भी पंचायत अंचायत में हम जाते तो मतलब अगर आदमी कहते कि नहीं भी ईमानदारी की कत ये सबको लेके हम चुनाव लड़ रहे और जाकर हमने जो है गाँव में अच्छा काम करो हुए तो हम वोट दो जो आपको समझ में आए वो करो। अच्छा, 2005 और 10 में रहे सरपंच आप और बात से लेके अभी तक तो व्यवहार का उन लोगों से जुड़ गए हो आप है ना, तो और अच्छा व्यवहार होगा ये जनता वे की का कह रही प्रेजेंट जनता तो जाके है कि तुम चुनाव लड़ो हम तुम्हें चुनाव जितवाए यही कह रही जनता क्योंकि वोटिंग ज्यादा है तुम्हारे गाँव में 2500 वोटिंग है। हाँ, 2500 वोटिंग है तो जनता को दिल कैसे जीत रहे हैं आप? हमारे तो 2700 वोट है जब हम ले थे 2700 हर दिन। अच्छा, आपका कम हुआ है? 3200 हो गए थे। इतने यूपी बॉर्डर को गांव है जो तो इतने मतलब ये आधा किलोमीटर के इर्द गिर्द में सकरार को हर और दोहारी को हर लग जाते तो कहीं हमारे कुशवाहा बंधु उतने पहुंच गए हो गए सकरार में वोट है 600 वोट कट गए तो सरपंच जी जो बताओ कि जिस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे और परमात्मा ने विजय कर दी आपकी तो काम जो अधूरे रह गए आपके जो अधूरे काम रह गए हम भी करवाएं जिनकी कुगा बंदी है भी करवाएं या मतलब जिनकी आवास हैं उनके आवास करवाएं जो वास्तव में गरीब हैं उनके कार्ड बनवाएं जो ही सब हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य यही को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। थोना गाँव के अंदर जो 2015 से लेके 2005 से लेके 10 तक सरपंच के चुनाव में इनने सेवा दी राम सिंह यादव जी ने जावर भी चुनाव लड़ रहा है क्योंकि 2005 से लेकर 10 तक सेवा दी बाकी बाद हरजन सीट आ गई अनुसूचित जाति सो दूसरे को मौका मिला लगा तो जावर लड़ रहा है चुनाव। अब देखे वाली बात है कि जनता कितने इन पर मेहरबान हो रही कितने का आशीर्वाद राम सिंह यादव जी को दे रही और जिस प्रकार से जो समाज से भी बताई रहा है कि जब सरपंच हते जो हर बहन बेटिया की शादी में कन्या की शादी में जो अपना टीका करवाए जाते तो बहुत सौभाग्य की बात हो बहुत कम लोगों को जो सेवा करवे को मौका मिला तो इनने पूरी निरंतर सेवा करी। चावल भी कह रहा अगर लोगों ने आशीर्वाद दाओ तो वास्तव में जो सेवा 2005 से लेकर 10 तक करत आ रहे निरंतर जी काम करवे के लग तैयार भी हैं कौन बहन बेटिया की शादी हो तो टीका निरंतर करें और विश्वास है कि जनता किस प्रकार इन पर मेहरबान हो रही। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता देवनूत झांसी।